देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को है। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गए आप? इस्लाम के खिलाफ उनका यह अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं? इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। कमजोर इसलिए होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को MLA, काउंसिलर, ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असेंबली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्यूनसिपालिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाजाबता वो जो है लोगों से अपील कर रही है, इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहां मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहां एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहां तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा जहां तक जहन कह रहा कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज्यादा चलती है कि नहीं चलती है? तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्जे में तो पूरा परिवार जो है कब्जे में आ जाएगा, इसके सिवा तो कोई मैं मकसद नहीं समझता। साडे यूट्यूब चैनल नूं सब्सक्राइब करो।